Hey guys, we are back with another video token on Azeroth Queen Korea. कपड़े खरीदेंगे और उसके बाद में हम जाएंगे convenience store और वहाँ से हम जो भी सबसे महंगा खाना है ना वो खरीदेंगे. और इस challenge के लिए जो भी मेरे पास सबसे महंगा सामान है ना जैसे कि bags, और मुझे पक्का पता है कि कोई ना कोई ऐसा कमेंट करेगा Oh my God, तुम कितना शौक करती हो। So guys, please, 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 आप ऐसा बिल्कुल मत समझना, मैं कुछ भी फ्लैक्स या शो ऑफ नहीं कर रही, मैं सिर्फ इस चैलेंज के लिए हाँ बेटा शो ऑफ करने वाले समझा रहे हमें ये कर रही हूँ. आपको तो पता है कि मैं कितनी कंजूस मक्खी चूस हूँ, मतलब कि मैं होटल से भी चप्पल चुरा लेती हूँ. लेकिन चैलेंज स्टार्ट करने से पहले हर कन्वीनियंस स्टोर चैलेंज की परंपरा ये है कि हम स्टार्टिंग में हमेशा कुछ अजीब करीब डीएम्स पढ़ते हैं, तो आज भी हम उससे स्टार्ट करते हैं. एक लकड़े ने लिखा है, बेबी मैं तुम्हारी जुल्फों के साथ खेलना चाहता हूँ. I'm sorry, मैं टकली हूँ. एक लड़की ने लिखा है, You are very ugly. देख बहन, दिल की मैं बहुत अच्छी हूँ, वैसे तो अप्सरा पेंसिल भी होती है. किसी और ने लिखा है, This attitude won't take you anywhere. वैसे भी मम्मी कहाँ जाने नहीं देती. एक बहुत ही किडनी टचिंग कमेंट लिखा है, बोलो सुबह केसरी. ये क्या है? ये तो टट्टी है. बेटा पान थूक कर कमेंट. बेटा टट्टी टट्टी तू है. गाइस अभी जो मैं बोलने वाली ना आप यकीन नहीं करोगे. एक्चुअली मैं भी खुद तेरी बचपन गली तभी करता नहीं की. तभी भी लाइक्स भी हो गए थे, 2 लाख लाइक्स हो गए थे और आपने इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे कि मैं आपको क्या बताऊं. मतलब कि मेरी आंखें भर आई थी वो सारे कमेंट्स पढ़ के. फॉर मी इज द बेस्ट. सो वो वाला गाना मुझे इतना पसंद आया, इतना प्यारा और स्वीट गाना है, मतलब कि इस गाने को सुनकर प्यार हो जाता है. तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस गाने को गा कर दूं. चलो मान ले प्यार हो चुका है, लेकिन किसी कितनी होता है प्यार. मैं तो हमेशा मजाक मजाक में गाने गाती रहती हूँ मेरी अजीब सी आवाज में, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक ऑफिशियल प्रॉपर सिंगर टाइप वाला गाना गाऊंगी. सो पता नहीं मुझे बहुत खुशी हो रही है. सो गाइस ये वीडियो देखने से पहले, वीडियो देखने के बाद प्लीज जो कमेंट में मैंने पिन लिंक करा है ना उसके ऊपर जाना. वो मेरा क्यों पहला गाना जो कि मैंने मेरी सुरीली आवाज से गाया है उसको प्लीज सुनना. बहुत सारे लाइक देना, बहुत सारे कमेंट्स देना, बहुत सारे व्यूज देना. सो ये वाला वीडियो कि कैसे आपकी अजीब गरीब पूनम दीदी एक नॉर्मल लॉन्डिया से एक म्यूजिक वीडियो में भी आई और अभी एक नॉर्मल लॉन्डिया से. यार तुम्हारे यार तुम इंडियन होकर कोरिया में तुम क्या 30 लाख कर दी हो. वो इन कोरिया है से यार तुम तो इंडिया में तुम बच्चों बट कभी तुम कोरिया में बच्चों एक जगह जगह बिठा ना यार दिमाग ये दही करती है. एक सिंगर बन चुकी है. कुछ थिंक धीरे धीरे अभी हमारे गाने का शूट चल रहा है और देखिए कौन आया हमसे मिलने के लिए. द वन एंड ओनली दीक्षा. मैम दीक्षा नाइस टू मीट यू. फोटो लेनी है? फोटो हां मैम. ओके हां अदर साइड किमची. ओके जाओ एक्सपोज करना. क्या करोगे? एक्सपोज एक्सपोज पूरी पूरी एक्सपोज अपने फ्रेंड्स को कमेंट दिखाते हुए. ओह नो कौन आया? पीयूष जोशी. अबे काम करो पीयूष जोशी कर लो शादी चंद सब्सक्राइबरों के लिए. चंद सब्सक्राइबरों के लिए 3 मिलियन तो हो रहे फिर आपके. होपफुली सून 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 एक दो दिन में हो जाएंगे. आई होप. पता नहीं यार हो जाएंगे. किसने बुलाया मुझे अभी?
ओके चलो शूट पर चलते हैं। चलो बाय 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 बाय। तो फाइनली पू इन कोरिया, तो क्या चल रहा है शूट? सोलो सॉन्ग का कर रहे हैं हम। इसके बाद फिर हमारा होगा ना। नहीं नहीं अरे नहीं यार ऐसे था रेडी याद है कि पू इन कोरियर पैदा क्यों हुई? द न्यू बिहाइंड ओएमजी ओ माय गॉड क्यों नहीं कहा यार? और दांत देखो, दांत और बुरा है। शूट चल रहा है और वहाँ पर किसी और का पता नहीं टाइटैनिक पोज वाला शूट चल रहा है। क्या मस्त पोज है यार, वो लड़की तो मेरे से ज्यादा अच्छी पोज मार रही है, उसको ले लेते हैं ना। ब्यूटीफुल लैंड ऑफ उत्तराखंड, जहाँ पानी है वो तो फिर तुम लोग उत्तराखंड में। अबे यार मैं कुछ गाया लिया मैं देता नहीं हूँ वीडियो में, चल छोड़ो। आपको टिकट खुद करानी पड़ेगी क्योंकि आपको हम टिकट नहीं दे सकते। क्या टट्टी शूटिंग है? यार क्या मौसम हो रहा है यार, ऐसे मौसम रोना मनाते मनाते अपनी मून गाइड कराया और इन्होंने भी गाइड कराया। आपने मुझे चुना आपको गवाने के लिए। सो गाइस ये था आज की वीडियो का एंड। आई होप कि आपको आज का भी व्लॉग पसंद आया होगा। और क्योंकि पहली बार है कि मैं कोई गाना गा रही हूँ तो मुझे सुर अंतरा मंत्रा पता नहीं क्या क्या होता है गानों में, उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो ये मेरा पहला ट्राई है। तो प्लीज उसको उस माइंड से सुनना कि हाँ पूनम दीदी एक प्रॉपर ट्रेन सिंगर नहीं है, वो बस ऐसे ही यू नो पहली बार ट्राई करे गाना। मैं सब यार इसकी दिखाना थक गया है यार, पता है 10 बजे 10 बजे मैं 4 बजे का उठा हुआ।